कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में हर मिनट 117 केस आ रहे हैं, वहीं लगभग 38 लोगों की हर घंटे जान भी जा रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। जिस रफ्तार के साथ देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि जल्द ही रोजाना नए मामलों की संख्या 2 लाख को पार कर जाएगी। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 1,68,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 904 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के नए मरीजों का यह आंकड़ा किसी को भी डराने के लिए काफी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में हर घंटे 7,038 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं हर मिनट 117 नए कोरोना के मरीज जुड़ रहे हैं, जबकि हर घंटे 38 लोगों को कोरोना अपना शिकार बना रहा है। कोरोना की पिछली लहर से इसकी तुलना करें तो 17 सितंबर 2020 को कोरोना की पीक थी। इस दिन 97,894 नए कोरोना मरीज मिले थे। पिछली पीक के चरम के दौरान देश में हर घंटे सिर्फ 4,079 नए मरीज ही सामने आ रहे थे और हर मिनट 78 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे थे। कोरोना की पिछली लहर में मृतकों का सबसे बड़ा आंकड़ा 16 सितंबर 2020 को आया था। इस दिन 1290 लोगों की जान कोरोना के चलते चली गई थी। हर घंटे करीब 54 लोग कोरोना का शिकार बन रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो कोरोना की इस दूसरी लहर में नए मरीज तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मृतकों का आंकड़ा अभी भी पिछली लहर से कम है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे कोई तकनीकी कारण हो सकता है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना का कोई नया स्ट्रेन है जो बेहद तेजी से फैल रहा है।